न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के पति पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। दरअसल एक स्कूल के प्रधान अध्यापक ने जुबिन फरीदून ईरानी यानी कि स्मृति ईरानी के पति और जुबिन फरीदून ईरानी और उनके सहयोगी उन पर यह आरोप लगाया है कि ये जमीन मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधगढ़ के नेशनल पार्क के पास है। हालांकि स्मृति ईरानी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरोप से अवगत कराने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार मानपुर तहसील के कुरवाची गाँव में मार्केट हॉस्पिटैलिटी हेरिटेज नामक कंपनी ने 5 एकड़ जमीन खरीदी। इस कंपनी के निदेशक केंद्रीय मंत्री के पति जुबिन है। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने आरोप लगाया कि कंपनी ने फॉरेंसिंग करके स्कूल की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। दरअसल जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि मुझे मीडिया के जरिए मॉर्गेज हॉस्पिटैलिटी हेरिटेज द्वारा जमीन खरीदे जाने के बारे में पता चला। जांच की टीम के लिए इसे बनवाया गया था। इस मामले को लेकर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का भी पत्र लिखा आया है, बता दें, जिसमें उन्होंने वस्तुति का पता लगाने का अनुरोध किया है। सूत्रों का कहना है कि 1956 से खसरा नंबर 75 की 2.5 एकड़ जमीन स्कूल के नाम पर दर्ज थी। वही स्कूल से लगी 5 एकड़ जमीन किसी हजारी बानी के नाम पर दर्ज थी। वही कई वर्षों से लापता था, कोई उसका कोई वारिस भी नहीं था। ये जमीन स्कूल को आवंटित किए जाने की मांग 1998 से चल रही है। मामला फाइलों में दबा हुआ है। प्रधान अध्यापक का आरोप है कि एक व्यक्ति हजारी बानी का फर्जी वारिस बनकर सामने आया और कंपनी से जमीन का सौदा कर लिया। कंपनी ने फॉरेंसिक करके स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। स्मृति ईरानी अप्रैल के अंत में बांगड़ घूमने आई थी, तभी से कई तरह की चर्चाएं जोर पर पकड़ ली हैं। मगर उनके लौटने के 3 दिन बाद ही जमीन खरीदे जाने और स्कूल की जमीन पर कब्जे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति से मध्य प्रदेश भीमी मामले से जुड़ी खबर की पूरी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार को राज्यवर्धन निभाना चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को इससे संबंधित में मीडिया के एक वर्ग में आई खबर के बारे में प्रतिक्रियाएं पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने कुछ पाठ जरूर सीखा है। सरकार की वेबसाइट में उनकी संपत्ति को लेकर विवाद रहता है तो कभी उनकी योग्यता लेकर उनका झूठ पकड़ा जाता है। उन्होंने चुनाव में जो हलफनामे रखे हैं उन्हें देखने से आज तक ये नहीं हो पा रहा, आज तय ये नहीं हो पा रहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री कितनी शिक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अब ये खबर आई है कि मध्य प्रदेश से स्मृति ईरानी के पति ने वहां की सत्तारूढ़ पार्टी का दुरुपयोग कर किसी सरकारी जमीन को कब्जा लिया है। हमारा मानना है कि अगर ये खबर सही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार को इसकी फौरन जांच करनी चाहिए, इसके तह तक जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि ये खबर सही पाई जाती है तो स्मृति ईरानी के पति के कथित कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाना चाहिए। साथ ही उनके खिलाफ दीवानी या फौजदारी कानून जो भी लागू करता है उसके तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार राजधर्म उपयोग और स्मृति और उनके पति राजधर्म के अनुपालन में सहयोग करेगी। वही कर्नाटक सरकार द्वारा एक कानून की आड़ में गौर शिक्षकों को बचाने से संबंधित सवाल पूछे जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग में इस खबर को तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से पेश किया जा रहा। कर्नाटक में गौरक्षा का कानून 1964 में पारित हुआ था। इस कानून के तहत यदि कोई सरकारी अधिकारी इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए कुछ कार्यवाही करेगी तो उसके खिलाफ कोई झूठा मामला नहीं चलाया जा सकता। इस प्रावधान का निजी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या संस्थान से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आए दिन गौ माता की रक्षा के नाम पर, जिसे गौ प्रधानमंत्री मोदी गुंडे कहते रहते हैं, उन लोगों को राज्य सरकार से संरक्षण देनी चाहिए। वही इस पूरे मामले को झूठ षड्यंत्र ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनके सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जहां एक ओर गौ हत्या के नाम पर किए जाने वाले उत्पीड़न को गुंडे कहकर इसकी निंदा करते हैं, तो वही कांग्रेस शासित कर्नाटक में गौरक्षा को कानून के तहत बचाया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।